वेलकम ऑन स्वीट चिल्ड्रन, दिस इज पुष्पा मध्यान हु वेलकम्स यू टू द ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय आशा नेशनल इंग्लिश स्कूल एंड द गुड शेपर्ड एजुकेशन सेंटर। नाउ वी शैल स्टडी इंग्लिश रीडर। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए क्लास थर्ड। बच्चों हम लोग पहला लेसन पढ़ चुके थे, इसके क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग, FIB सब कर चुके थे और आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2, द एज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का युग। देखिए, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस, हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। साइंस विज्ञान, लिविंग रह रहे हैं, एज युग, हम विज्ञान के युग में रह रहे हैं। एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ इज डोमिनेटेड बाय साइंस, हमारे जीवन का प्रत्येक पक्ष विज्ञान द्वारा डोमिनेटेड है, शासित है। We come to know about the invention of many useful things. हम कई उपयोगी आविष्कारों के बारे में जानते हैं, यूजफुल है ना, उपयोगी आविष्कारों के बारे में जानते हैं। वन ऑफ देम, उनमें से एक है क्या, इज द इन्वेशन ऑफ कंप्यूटर, उनमें से एक आविष्कार है कंप्यूटर, उनमें से क्या है एक आविष्कार, कंप्यूटर। द कंप्यूटर इज नोन एज द जीनियस चाइल्ड ऑफ मदर साइंस, कंप्यूटर को क्या कहा जाता है, माता विज्ञान का प्रतिभाशाली बालक, जीनियस प्रतिभाशाली, मदर माँ, चाइल्ड बच्चा, साइंस विज्ञान, माता विज्ञान का बालक प्रतिभाशाली। द कंप्यूटर इज अ नेक्स्ट ब्रेन टू मैन, कंप्यूटर आदमी का दूसरा दिमाग है, ब्रेन मीन्स दिमाग। द कंप्यूटर इज अ मशीन विच एक्सट्रैक्ट्स वेरियस डाटा एंड इंफॉर्मेशन टेक्निकली कॉल्ड, जो विभिन्न आंकड़े हैं, क्या है, जो विभिन्न आंकड़े हैं, जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, जिन्हें हम टेक्निकल लाइन में प्रोग्राम कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं, आर पुट इनटू एंड वी फाइंड, आर पुट इनटू एंड वी फाइंड एक्सैक्ट रिजल्ट, एग्जैक्ट रिजल्ट इन अ मोमेंट, एग्जैक्ट रिजल्ट यानी कि हमको क्या होता है, कंप्यूटर में जो हम डालते हैं वो हमको पूरा सही एक ही क्षण में रिजल्ट दे देता है, मिल जाता है, ठीक। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के कई प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के मैनी बहुत प्रकार हैं, कई प्रकार के। अ मैथमेटिकल कंप्यूटर कैन एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एनी सम टू एनी नंबर इन अ मोमेंट। देखिए, अ मैथमेटिक कंप्यूटर, एक गणितीय कंप्यूटर कैन क्या कर सकता है, एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एनी सम टू एनी नंबर इन अ मोमेंट, मतलब कुछ ही क्षणों में किसी भी योग को, किसी भी नंबर को क्या कर सकता है, जोड़ सकता है, घटा सकता है, गुणा कर सकता है, भाग कर सकता है, कौन, कंप्यूटर। अब देखिए, अ मेडिकल कंप्यूटर इज अ वेरी हेल्पफुल इन फाइंडिंग आउट द फैटल डिजीज, फैटल मीन्स घातक, डिजीज मीन्स बीमारी। अ मेडिकल कंप्यूटर, एक चिकित्सीय कंप्यूटर बड़ी से बड़ी बीमारी
को क्या कर सकता है, ढूंढने में हमारी सहायता करता है, हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ठीक, मैन कैन मेक मिस्टेक, आदमी गलती कर सकता है, भूल कर सकता है, बट कंप्यूटर गिव अस एक्यूरेट रिजल्ट। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बिल्कुल सही रिजल्ट देता है। देयर फोर देयर इज अ ग्रेट नीड ऑफ कंप्यूटर, क्या है, इसलिए कंप्यूटर की बहुत आवश्यकता है, नीड आवश्यकता, ग्रेट बहुत, कंप्यूटर इन बैंक्स, रेलवे, स्कूल्स, हॉस्पिटल एंड अदर इंस्टीट्यूट, वी शुड यूज कंप्यूटर सेंसिबली। कंप्यूटर कहाँ पे, रेलवे में, रेलवे में, बैंक में, स्कूल में यानी विद्यालय में, हॉस्पिटल माने चिकित्सालय में, एंड अदर इंस्टीट्यूट और अन्य संस्थाओं में क्या होता है, जरूरी होता है। वी शुड यूज कंप्यूटर सेंसिबली, हमें कंप्यूटर का समझदारी से प्रयोग करना चाहिए। ठीक बच्चों, अब इसकी आपको ये वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में लिखनी है और आगे की एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट डे करवाएंगे। ठीक है।